बाल अपने सर पे तब तक नहीं आने देंगे जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। और इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं जाएगी तो हम और हमारी बेटी दोनों आत्महत्या यहीं कर लेंगे। क्या खाएंगे, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? एक तरफ तो बताते बेटी को पढ़ाओ, बेटी को ये करो, हम सड़क पर बेटी को लिए बैठे, उनको शर्म नहीं आती? चार तो फूल लगा के सुंदरीकरण दिखाने चले हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, जनता की पैसे की बर्बादी हो रही खाली, और कुछ नहीं। मैं हूँ सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के सामने स्थित कुछ अवैध दुकानों को नगर निगम की टीम ने बुधवार को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। इन दुकानों में एक दुकान आयुषी श्रीवास्तव नाम की महिला की थी, दुकान का नाम आयुषी इंटरप्राइज था और कार्रवाई के वक्त उस दुकान को भी तोड़ा गया था। इस बात के विरोध में आयुषी श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर अपना सर मुंडन करा दिया। उनका कहना है कि दूसरी तरफ भी अवैध दुकानें हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका भी बुलडोजर से मकान नहीं तोड़ा गया तो हम बाल अपने सर पे तब तक नहीं आने देंगे जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। और इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं जाएगी तो हम और हमारी बेटी दोनों आत्महत्या यहीं कर लेंगे। आपकी दुकान थी क्या? जी हाँ, आयुषी इंटरप्राइजेस के नाम से थी मेरी दुकान। एडवर्टाइजिंग का काम था, झंडे बैनर की थी और हर पार्टी की थी, खाली ये नहीं कि खाली सपा की थी, सारे पार्टी की थी। विरोध में आपने बाल मुड़वाने का फैसला क्यों किया? हमने इसलिए फैसला किया कि शायद सरकार को या देखने वालों को शायद शर्म आ जाए तो शायद हम लोग को इंसाफ मिल जाए और हम लोग को यहाँ जगह दे, हम लोग अपनी जो है रोजी रोटी चला सके, वरना क्या खाएंगे, क्या अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? एक तरफ तो बताते बेटी को पढ़ाओ, बेटी को ये करो, हम सड़क पर बेटी को लिए बैठे, उनको शर्म नहीं आती, उनको दिखाई नहीं पड़ता कैसे क्या हो रहा मेरे साथ में? बड़े बड़े लोग होते तो उनको दिखाते, मगर हम गरीब आदमी तो इसलिए नहीं दिखा पाए, उनको समझ में नहीं आया। अभी कहीं मीडिया वैसे कुछ होता तो तुरंत फोटो खींचती, सबको दिखाते कि हाँ भाई देखो ऐसा कुछ हो रहा है, उसके साथ गलत हुआ, ऐसा हुआ। मेरे साथ में इतना बड़ा नाइंसाफी हुआ, किसी ने कोई आगे आके एक कदम नहीं कहा कि नहीं बहन जाने तो हम तुम्हें यहाँ नहीं, यहाँ जगह दे देंगे, तुम यहाँ काम करना, कोई कुछ नहीं बोला अभी तक। और हम एकदम झूठ बोल रहा है, इतने सालों से दुकानें लगी, यहाँ कौन सा अतिक्रमण है आप बताइए? कौन हाईवे है जो यहाँ पे गाड़ियों को जाम होता है? अगर जाम होना हो तो इतना बड़ा जो कौन सा स्कूल है ये बगल में, वहाँ जाम होता है, उसको तो कोई नहीं कह पाता कि गेट इधर सुधर कर लो, इतनी जाम ना होने पाए। यहाँ इतनी सी दुकानें किनारे लगी हुई हैं, चार तो फूल लगा के सुंदरीकरण दिखाने चले हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, जनता की पैसे की बर्बादी हो रही खाली, और कुछ नहीं। कोई नोटिस हमको हमको नहीं मिली, बाकी किसी को मिली मुझे नहीं पता। हम अपने बाल मुड़वा दिए, अब आपका अगला कदम क्या है, क्या सरकार से मांग करते हैं? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सामने जितनी अवैध हैं, जो भी अवैध है सामने ही नहीं, जो भी अवैध है उसके साथ भी कार्रवाई हो, कार्रवाई एक तरफा होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी एक के साथ में हो।